जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल RR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों की जो सीरीज चल रही थी रेलवे ALP टेक्नीशियन के लिए, DRDO, इसरो और जो भी हमारे ऑल अदर टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, उन टेक्निकल एग्ज़ामों के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जैसे हमारा रेलवे ALP टेक्नीशियन के लिए, और जो है हमारे जो भी ऑल अदर टेक्निकल एग्जाम होते हैं जैसे DRDO, इसरो, सेल, बार्क, ऑल अदर टेक्निकल एग्जाम जो भी हमारे होते हैं। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहां से जाकर के जो है हमारे किसी भी ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक हमने जो है काफ़ी चैप्टरों टॉपिक पर जो है डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं, जो MCQ क्वेश्चंस देखेंगे, या हम देखेंगे जीक एवं फिक्सचर से जो है हम लोग जो है देखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हमारा बेलनाकार जॉब की धुरी के साथ समकोण पर सुराख करने के लिए जीक प्रयोग करते हैं कौन। क्वेश्चन है हमारा, बेलनाकार जॉब की धुरी के साथ समकोण पर सुराख करने के लिए जिग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है चैनल जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है डायमीटर जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है रिंग जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है सॉलिड जिग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायमीटर जिग का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार जॉबों की जो है धुरी के साथ समकोण पर 90 डिग्री पर, कितने 90 डिग्री एंगल पर अगर हमें क्या करना होता है, बेलनाकार जॉब में जो है 90 डिग्री पर सुराख करना होता है, तो उसके लिए हम लोग कौन से जिग का प्रयोग करते हैं, डायमीटर जिग का प्रयोग करते हैं। देखिए डायमीटर जिग के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा डायमीटर जिग होता क्या है। इस जिग का उपयोग बेलनाकार, सिलेंड्रिकल या गोली स्फेरिकल कार्य खंड के व्यासी छेद या धुरी के साथ समकोण पर छेद करने के लिए किया जाता है। इसके साथ सिलेंड्रिकल जॉबों और जो है बेलनाकार जॉब और गोली जॉबों के जो है व्यास जो होता है, व्यास के साथ जो है 90 डिग्री पर छिद्र करने के लिए किया जाता है। क्रिया के समय कार्यखंड को स्थिर वी ब्लॉक में रख कर क्लैंप करके एवं क्लैंपिंग की सहायता से क्लैंप कर दिया जाता है। वी ब्लॉक पर जो है क्या किया जाता है, वी ब्लॉक तो आप सभी ने देखा ही होगा कि वी ब्लॉक का जो हमारा एंगल की बात करते हैं तो 90 डिग्री कितना कितना होता है हमारा, 90 डिग्री जो है वी ब्लॉक का एंगल होता है। वी ब्लॉक की मेटल की बात करता हूँ तो हमारे किस मेटल का बना होता है, कास्ट आयरन का, किसका, कास्ट आयरन का जो है वी ब्लॉक हमारा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी पाइप या सिलेंड्रिकल के फ्लेंज पर सुराखों की ड्रिलिंग के लिए जिग प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन जो है हमारा DRDO में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लेंज पर सुराखों की ड्रिलिंग के लिए जिग प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है वाइस जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है डायमीटर जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है चैनल जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है रिंग जिग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिंग जिग का प्रयोग करते हैं। इस पर पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों की ड्रिलिंग के लिए रिंग जिग का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिंग जिग के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा रिंग जिग जो है होता क्या है। इस जिग का उपयोग फ्लैंजदार वृत्ताकार भागों पर छेद करने के लिए किया जाता है। इसलिए जो फ्लैंजदार वृत्ताकार भागों पर छिद्र करने के लिए, होल करने के लिए, ड्रिल करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, इसमें कार्य खंड को जिग प्लेट और क्लैंपिंग बोल्टों की सहायता से बर्मा बुश के साथ निर्धारित किया जाता है। ड्रिल के साथ जो है निर्धारित किया जाता है, ड्रिल बुश के द्वारा टूल को गाइड करते हुए छेद के लिए जाते हैं, छेद कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हमारा, किसी जिग की बॉडी स्टील के ठोस ब्लॉक से बनाई जाती है
और इसका उपयोग छोटे छोटे पार्ट्सों में डील करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी जिग की बॉडी स्टील के ठोस ब्लॉक से बनाई जाती है। इसका उपयोग छोटे छोटे पार्टों में डील करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है सॉलिड जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रिल जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेट जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है चैनल जिग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए, सॉलिड जिग का प्रयोग करते हैं। किसका? सॉलिड जिग का जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन था हमारा, किसी जिग की बॉडी स्टील के ठोस ब्लॉक से बनाई जाती है, स्टील के जो है ठोस ब्लॉक से बनाई जाती है, और इसका उपयोग छोटे छोटे पार्ट्सों में डील करने के लिए करते हैं, डील करने के लिए जो है करते हैं, सॉलिड जिग का जो है प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉलिड जिग के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा सॉलिड जिग होता क्या है। जब छोटे छोटी जॉब में ड्रिल करना हो तो उस समय ठोस जिग का प्रयोग किया जाता है। कौन से जिग का इस्तेमाल किया जाता है? ठोस जिग का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड जिग का जो है प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की जिग की बॉडी को स्टील के ठोस ब्लॉक से मशीनिंग करके शुद्ध बनाया जाता है। कैसे? मशीनिंग करके, ब्लॉक में से मशीनिंग प्रक्रिया करके जो है शुद्ध बनाया जाता है। इसमें एक बटन क्लैंप होता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड जिग में क्या होता है हमारा, बटन क्लैंप होता है, जिसमें जॉब को जो है पकड़ा जाता है, जॉब को क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, किस जिग का उपयोग बोर लोकेशन के लिए करते हैं? क्वेश्चन है हमारा, किस जिग का उपयोग बोर लोकेशन के लिए करते हैं? ऑप्शन है बॉक्स जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रूनियन जिग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट जिग का उपयोग करते हैं। बोर से लोकेशन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पोस्ट जिग का जो है इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इस पे पोस्ट जिग के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो है पोस्ट जिग होता क्या है। पोस्ट जिग, यह जिग प्रायः बोर से लोकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। बोर से जो है लोकेशन के लिए उपयोग करते हैं पोस्ट जिग का। लोडिंग करने के लिए जितना संभव हो उतना छोटा होना चाहिए तथा साथ ही साथ उसे जॉब को सहारा देने के लिए अधिक लंबा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिक लंबा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है हमारा सेल बोकारो स्टील प्लांट में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, जटिल आकार के वर्क पीस की ड्रिलिंग अलग अलग दिशाओं में करने के लिए जिग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जटिल आकार के वर्क पीस की ड्रिलिंग अलग अलग दिशाओं में करने के लिए जिग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ट्रूनियन जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल जिग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रूनियन जिग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन था हमारा, जटिल आकार के वर्कपीस की ड्रिलिंग अलग अलग दिशाओं में करने के लिए ट्रूनियन जिग का प्रयोग किया जाता है। ट्रूनियन जिग के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो है ट्रूनियन जिग होता क्या है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े तथा जटिल आकार के जॉब को विभिन्न दिशाओं में ड्रिल करना होता है। क्या होता है? इसका प्रयोग, ट्रूनियन जिग का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े या जटिल आकार के जॉबों को विभिन्न दिशाओं में, कोई बड़े बड़ा जॉब होगा और जटिल आकार का होगा, उसमें जो है विभिन्न दिशाओं में जो है ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। यह बॉक्स जिग का सुधरा हुआ रूप होता है। जो ट्रूनियन जिग होता है यह बॉक्स जिग का क्या होता है, सुधरा हुआ रूप होता है, जो ट्रूनियन पर लगा होता है, जो एक साथ एक दिशा में से दूसरी दिशा में घुमाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक दिशा से दूसरी दिशा में जो है घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, ऐसा वर्क पीस जिनकी आकृति विषम आकार की होती है वह
उनके फेस जिग को कुछ दूरी पर लोकेट करना हो तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऐसे वर्कपीस जिनकी आकृति विषम आकार की होती, क्या होती है आकृति जो है विषम आकार की होती है, वह उनके फेस जिग को कुछ दूरी पर लोकेट करना हो तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है एंगल प्लेट जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है इंडेक्सिंग जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है रिंग जिग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल जिग का प्रयोग करते हैं। बी इज राइट आंसर। देखिए टेबल जिग के बारे में बात करते हैं कि हमारा टेबल जिग जो है होता क्या है। इसको टर्न ओवर जिग भी कहते हैं। टेबल जिग को हम किस नाम से जानते हैं, टर्न ओवर जिग के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है, टेबल जिग का प्रयोग तब किया जाता है जब जॉब को उसके फेस से कुछ दूरी पर लोकेट करना आवश्यक हो। जॉब को क्या होता है, उसके फेस से कुछ दूरी पर जो लोकेट करना आवश्यक हो मशीन की टेबल पर जिग को शुद्धता से रखने के लिए। इस प्रकार के जिग में चार पैर लगे होते हैं। क्या होते हैं, टेबल जिग में क्या होते हैं कि हमारे चार पैर लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है। यह क्वेश्चन जो है हमारा आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, वह जिग जिसमें बेस प्लेट नहीं होती है। ऑप्शन है बॉक्स जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रूनियन जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेट जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है लेच जिग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेट जिग। प्लेट जिग जो है नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्लेट जिग के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो है प्लेट जिग होता क्या है। यह टेम्पलेट की सुधरी शक्ल है। प्लेट जिग क्या होती है, जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट की क्या होती है, सुधरा हुआ रूप होता है, सुधरी शक्ल होती है। इसमें इनमें ड्रिल बूस तथा लोकेटिंग पॉइंट लगे होते हैं। प्लेट जिग में क्या होते हैं कि हमारे ड्रिल बूस तथा लोकेटिंग पॉइंट लगे होते हैं। इस जिग में एक प्लेट होती है। प्लेट जिग में क्या होती है, इसमें एक हमारी प्लेट होती है जो ड्रिल किए जाने वाले अवयव भाग पर रखी जाती है। जो प्लेट होती है, प्लेट को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, ड्रिल किए जाने वाले अवयव, जो ड्रिल किए जाने वाले पार्ट्स होते हैं उस पर जो है रखी जाती है। भारी भाग के लिए कभी कभी क्लैंप का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, क्लैंप का उपयोग किया जाता है। इस जिग में बेस प्लेट नहीं लगी होती है। बेस प्लेट जो है नहीं लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, जॉब को मुड़ने बेंडिंग से बचाने के लिए कौन सी सपोर्टिंग डिवाइस साधारणतः उपयोग में लाई जाती है। यह क्वेश्चन जो है हमारा आरआरबी मुंबई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, जॉब को मुड़ने से बचाने के लिए कौन सी सपोर्टिंग डिवाइस साधारणतः प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन है एंगल प्लेट, नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेशल फिक्सचर, नेक्स्ट ऑप्शन है पैरेलल ब्लॉक्स, नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रिप डॉग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल फिक्सचर का जो है प्रयोग किया जाता है। किसका, स्पेशल फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है जॉब को जो है मुड़ने से बचाने के लिए। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं, जॉब को मुड़ने से बचाने के लिए स्पेशल फिक्सचर साधारणतः उपयोग में लाई जाती है। विशेष फिक्सचर का उपयोग अधिक मात्रा में एक जैसे जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। क्या होता है, एक जैसे जॉब को जो है पकड़ने के लिए विशेष फिक्सचर का जो है प्रयोग करते हैं किया जाता है। निश्चित जॉब को पकड़ने के लिए फिक्सचर का डिजाइन किया जाता है, फिक्सचर का जो है डिजाइन किया जाता है। इसमें कर्तन टाइम को कम किया जाता है। क्या किया जाता है, कर्तन टाइम को जो है कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन जो है हमारा आरआरबी मुंबई में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, फिक्सर एक उत्पादन औजार है जो, फिक्सर क्या है, फिक्सर एक उत्पादन औजार है जो
ऑप्शन है जॉब को पकड़ता है, नेक्स्ट ऑप्शन है कर्तन औजार पर नियंत्रण रखता है, नेक्स्ट ऑप्शन है जॉब की स्थिति निर्धारित करता है, नेक्स्ट ऑप्शन है जॉब की स्थिति निर्धारित करता है एवं पकड़ता है वह परंतु कर्तन औजारों को नियंत्रित नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉब को जो है पकड़ता है। क्वेश्चन था हमारा, फिक्सर एक उत्पादन औजार है जो जॉब को क्या करता है, पकड़ता है, जॉब को जो है क्लेम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं, फिक्सर एक उत्पादन औजार है, औजार है जो जॉब को पकड़ता है, उत्पादन के निर्माण में सटीकता और विनिमयता को बढ़ाने के लिए फिक्सर का उपयोग करते हैं। फिक्सर स्थिरता एक सपोर्ट या जॉब होल्डिंग डिवाइस है। फिक्सर क्या है हमारा, एक होल्डिंग डिवाइस जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहते हैं, इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, जिग और फिक्सर में क्या भेद है। क्वेश्चन है हमारा, जिग और फिक्सर में क्या भेद है। ऑप्शन है, जिग को कार्य वस्तु को पकड़कर और स्थान में रखने में को प्रयुक्त, जबकि फिक्सर जॉब को सिर्फ कार्य वस्तु में पकड़ने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, जिग को कार्य वस्तु को पकड़ने के लिए, जबकि फिक्सर कार्य वस्तु में रखने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, जिग उपस्करण धारक है, क्या है, उपस्करण धारक है और फिक्सर काम धारक उपयोग में उपरोक्त कोई नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है, उपरोक्त में से उपरोक्त कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन था हमारा, जिग और फिक्सर में क्या भेद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिग इज यूज टू होल्ड एंड पोजीशन। जिग क्या करता है, जॉब को होल्ड करता है और जो पोजीशन स्थान को निर्धारित करता है। द वर्क पीस वेयर्स फिक्सर इज यूज टू ओनली होल्ड द वर्क पीस। जिग को कार्य वस्तु को पकड़कर और स्थान में रखने के लिए प्रयुक्त है, जबकि फिक्सर को सिर्फ कार्य वस्तु को पकड़ने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं, इसके पॉइंट पर बात करते हैं, जिग एक ऐसी युक्ति है जो विभिन्न संक्रियाओं के लिए कार्यखंड को उपयुक्त स्थिति में सुदृढ़ता से पकड़ने तथा कटाई को निर्देशित गाइड करने में काम आता है। जिग क्या करता है कि जॉब को जो है पकड़ता भी है और टूल को भी जो है गाइड करता है। फिक्सर एक ऐसी युक्ति है जो विभिन्न संक्रियाओं के लिए कार्यखंड को केवल दृढ़ता से उपयुक्त स्थिति में पकड़ने में ही काम आती है। जिग का जो फिक्सर होता है, फिक्सर क्या करता है, जॉब को जो है दृढ़ता मजबूती के साथ जो है पकड़ने के लिए काम आती है और किसी औजार को गाइड नहीं करता है। फिक्सर क्या करता है, किसी भी टूल को जो है गाइड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिग। निम्न में से कौन सा जिग के बारे में सही नहीं है, जिग के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन है, जिग एकमात्र ऐसा क्लैंपिंग युक्ति है जो मशीन के दौरान जॉब को स्थिर रखती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, जिग का प्रयोग करते समय कार्य में चिन्ह आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, जिग टैपिंग ड्रिलिंग और रीमिंग संक्रियाओं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, जिग एक विशेष प्रकार की युक्ति है जो कार्यखंड को सुदृढ़ता से पकड़ कर रखती है तथा औजार का पथ प्रदर्शन भी करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में, इस क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से कौन सा जिग के बारे में सही नहीं है, ये जिग एकमात्र ऐसा क्लैंपिंग युक्ति है जो मशीन के दौरान जॉब को स्थिर रखती है। मशीनिंग के दौरान क्या करती है, जॉब को जो है स्थिर रखती है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं,
जिग वह उपकरण है, जिग वह उपकरण है जिसमें जॉब को एक निश्चित अवस्था में जकड़ कर रखने के साथ साथ कटिंग टूल को भी गाइड करने की व्यवस्था रहती है। अधिकतर जिग ड्रिलिंग प्रक्रियाओं के लिए प्रयोग की जाती है। जिग ऐसा उपकरण है जिसमें क्या किया जाता है, जॉब को क्लैंप किया जाता है और टूल को भी जो है गाइड किया जाता है। जिग जो है अधिकतर जो है ड्रिलिंग प्रक्रिया, ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए जो है प्रयोग की जाती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जिग का प्रयोग होने पर कटिंग ऑपरेशन के लिए मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती, अतः समय की बचत होती है। अगर किसी जॉब में जो है ऑपरेशन प्रक्रिया कर रहे हैं, अगर हम जिग का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो है जॉब पर जो है मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है, समय की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके प्रयोग से उत्पादन क्रियाएँ स्वचालित बन जाती हैं। जो ऑपरेशंस होती हैं उत्पादन, वह क्या होती है, प्रोडक्शंस, वह स्वचालित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, विशाल स्तर के उत्पादन में औजार निम्न द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन है हमारा, विशाल स्तर के उत्पादन में औजार द्वारा निम्न द्वारा निर्देशित होता है। ऑप्शन है स्थायिक, नेक्स्ट ऑप्शन है निर्देशन क्षण, नेक्स्ट ऑप्शन है जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है डाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिग, सी इज राइट आंसर। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं, उच्च स्तर के उत्पादन के लिए औजार टूल जिग का प्रयोग करते हैं। जिग एक ऐसी युक्ति डिवाइस है जो विभिन्न संक्रियाओं के लिए कार्यखंड को उपयुक्त स्थिति में दृढ़ता से पकड़ने, होल्डिंग तथा कटाई के को निर्देशित या गाइड करने के काम आती है, काम करने में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस प्रोडक्शन टूल्स दैट लोकेट्स एंड होल्ड्स द वर्क पीस वर्क ड्यूरिंग ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादन उपकरण है जो कि जो ऑपरेशन के दौरान कार्य को बांधे रखता है, वह है। यह क्वेश्चन जो है डीआरडीओ मशीनिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है गाइड पिलर, नेक्स्ट ऑप्शन है गाइड बुशेस, नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्सर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिक्सर, फिक्सर का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं, फिक्सर वह डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी जॉब की मशीनिंग प्रक्रिया करते समय उसे पकड़ने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, फिक्सर के द्वारा ही जॉब को जो है क्लैंप किया जाता है मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि फिक्सर एक होल्डिंग डिवाइस है, इसके प्रयोग से जॉब को कम समय में सही स्थान पर बांधा जा सकता है, कम समय में जो है सही स्थान पर बांधा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, उस जुगाड़ को जो ड्रिलिंग के समय जॉब को मजबूती से पकड़ने पकड़ने टूल को गाइड भी करता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है क्लैंप, नेक्स्ट ऑप्शन है युक्ति, नेक्स्ट ऑप्शन है बुश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिग। जिग क्या करता है, जॉब को जो है मजबूती से पकड़ता भी है और टूल को जो है गाइड भी करता है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं, जिग के बारे में, ये ऐसी युक्ति है, जिग जो है ये ऐसी डिवाइस है जो विभिन्न संक्रियाओं, विभिन्न ऑपरेशंस के लिए कार्यखंड वर्कपीस को उपयुक्त स्थिति में दृढ़ता से पकड़ने, होल्डिंग एंड लोकेटिंग एंड कटाई तथा कटाई औजार को निर्देशित या गाइड करने के में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन जो है हमारा डीआरडीओ मशीनिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, किस जुगाड़ को ड्रिलिंग एवं रीमिंग कार्यों में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस जुगाड़ को ड्रिलिंग एवं
रीमिंग कार्यों में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है, यह क्वेश्चन जो है डीआरडीओ मशीनिस्ट आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन है जिग, नेक्स्ट ऑप्शन फिक्सर, नेक्स्ट ऑप्शन युक्त, नेक्स्ट ऑप्शन है बुश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिक्सर। फिक्सर का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, फिक्सर का क्या कार्य है, फिक्सर का क्या कार्य है। ऑप्शन है बुशिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है क्लैंपिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है होल्डिंग होल्डर, नेक्स्ट ऑप्शन है गाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लैंप। देखिए फिक्सर के बारे में बात करते हैं, फिक्सर क्या होता है। फिक्सर एक उत्पादन औजार प्रोडक्शन टूल है जो कि जॉब को स्थिर लोकेट रखता है, पकड़ता है, होल्डिंग तथा क्लैंपिंग भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है आरआरबी कोलकाता में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, टर्निंग शेपिंग एवं मिलिंग कार्यों के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग होती है। क्वेश्चन है हमारा, टर्निंग शेपिंग एवं मिलिंग कार्यों के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग होती है। ऑप्शन है वाइस, नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्सर, नेक्स्ट ऑप्शन है क्लैंप, नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त कोई भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिक्सर का जो है प्रयोग करते हैं। देखिए इसको पॉइंट पर बात करते हैं, टर्निंग शेपिंग एवं मिलिंग आदि कार्यों में फिक्सर की प्रयोग की जाती है, फिक्सर का जो है प्रयोग किया जाता है। इन सभी कार्यों के लिए अलग अलग फिक्सर मशीन जैसे लेथ फिक्सर, शेपिंग फिक्सर तथा मिलिंग फिक्सर प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, जिग की शुद्धता होती है। क्वेश्चन है हमारा, जिग की शुद्धता होती है। ऑप्शन है वर्कपीस की शुद्धता का 10%, नेक्स्ट ऑप्शन है वर्कपीस की शुद्धता का 5%, नेक्स्ट ऑप्शन है वर्कपीस की शुद्धता का 20 से 50%, नेक्स्ट ऑप्शन है वर्कपीस की शुद्धता का 100%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्कपीस की शुद्धता का 100%। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है आरआरबी कोलकाता में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, ड्रिल जिग के बुश बनते हैं। क्वेश्चन हमारा, ड्रिल जिग के बुश बनते हैं। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, नेक्स्ट ऑप्शन है टूल स्टील, नेक्स्ट ऑप्शन है कास्ट स्टील, नेक्स्ट ऑप्शन है कास्ट आयरन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूल स्टील के जो है बनते हैं। देखिए ड्रिल जिग के बारे में बात करते हैं कि हमारा ड्रिल जिग होता क्या है। ड्रिल जिग प्रायः टूल स्टील के बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग प्रायः ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग आदि ऑपरेशन में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है हमारा सेल बकारो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, ड्रिल जिग बुश प्रायः हार्ड होते हैं ताकि। क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल जिग बुश प्रायः हार्ड होते हैं ताकि। ऑप्शन है जिग को बचाया जा सके, नेक्स्ट ऑप्शन टूल को गाइड करते समय वह तिरछा न हो जाए, नेक्स्ट ऑप्शन है चिप्स आसानी से निकल सके, नेक्स्ट ऑप्शन है टूल को सही गाइड करें वह बुश लंबे समय तक चल सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टूल को सही गाइड करें वह बुश लंबे समय तक चल सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन था हमारा, ड्रिल जिग बुश प्रायः हार्ड होते हैं ताकि, टूल को सही गाइड करे वह बुश लंबे समय तक चल सके। डी इज राइट आंसर। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं, ड्रिल जिग बुश प्रायः हार्ड धातु का बना होता है। जो ड्रिल जिग बुश होता है वह हार्ड मेटल का बना होता है ताकि हार्ड होने के कारण कटिंग टूल को सही दिशा में गाइड करें वह बुश लंबे समय तक टिकाऊ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है हमारा इसरो टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, जिग का वह प्रकार जिसमें आधार प्लेट नहीं होता है। क्वेश्चन है हमारा, जिग का वह प्रकार जिसमें आधार प्लेट नहीं होता। ऑप्शन है प्लेट जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है बॉक्स जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है चैनल जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है सैंडविच जिग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेट जिग। प्लेट जिग में जो है
प्लेट उपलब्ध नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्लेट जिग के बारे में बात करते हैं कि प्लेट जिग हमारा होता क्या है। प्लेट जिग में आधार प्लेट उपलब्ध नहीं होता है। यह भी टेम्पलेट जिग की भांति होता है, परंतु इसमें ड्रिल को गाइड करने के लिए ड्रिल बुश का प्रयोग किया जाता है। किसका? ड्रिल बुश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह भी क्वेश्चन जो है हमारा इसरो टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, अ फिक्सर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर, जुड़नार एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन है होल्ड द वर्कपीस, वर्कपीस को धारण करने। नेक्स्ट ऑप्शन है गाइडिंग द टूल, टूल को मार्ग निर्देशन करने। नेक्स्ट ऑप्शन है लॉसिंग द वर्कपीस, वर्कपीस की शिथिलन करने। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइटेनिंग द टूल्स, टूल को दृढ़करण करने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होल्डिंग द वर्कपीस, वर्कपीस को धारण करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं फिक्सर के बारे में। फिक्सर एक ऐसी क्लैंपिंग डिवाइस है जो कि वर्कपीस को सुरक्षा एवं मजबूती से पकड़कर स्थिर रखता है। क्या करता है फिक्सर जो है जॉब को जो है मजबूती से पकड़ता है और स्थिर रखती है। फिक्सर टूल को गाइड नहीं करता, फिक्सर क्या करता है टूल को गाइड नहीं करता। फिक्सर का प्रयोग मिलिंग, शेपिंग, टर्निंग आदि ऑपरेशन में जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। ये अपेक्षाकृत भारी होते हैं। फिक्सर क्या होता है कि अपेक्षाकृत भारी होते हैं जिन्हें मशीन टेबल के साथ क्लैंप करना आवश्यक होता है। जिग के बारे में बात करते हैं। जिग एक ऐसी युक्ति है जो जॉब को मजबूती से पकड़ती है, क्रिया बिंदु को लोकेट करती है और टूल को गाइड करती है। जिग का प्रयोग ड्रिलिंग और रिम आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इसके लिए जिग का प्रयोग जो है ड्रिलिंग और रिमिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह क्वेश्चन जो है हमारा इसरो टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिग क्वेश्चन हमारा, टाइपिकल लोकेटिंग डिवाइस फॉर सिलेंड्रिकल जॉब्स यूज इन जिग्स एंड फिक्सर आर। जिग व फिक्सर में बेलनाकार कार्य के लिए साधारणतः प्रयुक्त अवस्थिति उपयुक्त है। ऑप्शन है ड्रिल जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है वी ब्लॉक, नेक्स्ट ऑप्शन है मैंड्रिल, नेक्स्ट ऑप्शन है एंगल प्लेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी ब्लॉक का जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। जिग और फिक्सर में बेलनाकार कार्य के लिए साधारणतः प्रयुक्त अवस्थापन युक्त वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। वी ब्लॉक तथा क्षण के प्रयोग से दो घूर्णी गतियों तथा दो सरल रेखी गतियों पर अवरोधन प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? अवरोधन जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, बहुमात्रा उत्पादन में किसका उपयोग वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए? ऑप्शन है टेम्पलेट, नेक्स्ट ऑप्शन है जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है गेज, नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्सर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिक्सर का प्रयोग जो है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग वर्कपीस को पकड़ने व टूल को गाइड करने के लिए करते हैं? ऑप्शन है फिक्सर, नेक्स्ट ऑप्शन है गेज, नेक्स्ट ऑप्शन है जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है हाउसिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिग का प्रयोग जो है करते हैं। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, जिग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, जिग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ड्रिलिंग, रीमिंग व टैपिंग आदि क्रियाओं के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन टूल को गाइड करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन केवल ड्रिलिंग के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिग का उपयोग किया जाता है ड्रिलिंग, रीमिंग व टैपिंग आदि क्रियाओं के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, जिग एक ऐसा डिवाइस है जो, यह क्वेश्चन आरआरबी तिरुवनंतपुरम में पूछा हुआ क्वेश्चन
है। क्वेश्चन है हमारा, जिग एक ऐसा डिवाइस है जो, ऑप्शन है वर्कपीस को लोकेट करता है, नेक्स्ट ऑप्शन है कटिंग टूल को गाइड करता है, नेक्स्ट ऑप्शन है वर्कपीस को क्लैंप करता है, नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जिग एक ऐसा उपकरण है जो वर्कपीस को लोकेट करता है, कटिंग टूल को गाइड करता है, वर्कपीस को क्लैंप करता है, सभी कार्य जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो हमारा डीआरडीओ मशीनिस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, व्यापक उत्पादन में टूल का मार्गदर्शन करने और जॉब को कस कर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग जो है किया जाता है टूल को गाइड करने और जॉब को कस मजबूती से पकड़ने के लिए। ऑप्शन है प्लेट टेम्पलेट जिग टेम्पलेट, नेक्स्ट ऑप्शन है हाउसिंग, नेक्स्ट ऑप्शन है जिग, नेक्स्ट ऑप्शन है फिक्सर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिग का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, जिग व्यास्तरण सामान्यतः के बने होते हैं, जिग जो है हमारे किस मेटल का बना होता है। ऑप्शन है, यह क्वेश्चन जो है इसरो टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन है मृदु इस्पात, नेक्स्ट ऑप्शन है ढलवा लोहा, नेक्स्ट ऑप्शन है कठोरीकृत इस्पात, नेक्स्ट ऑप्शन है पीतल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिग जो है हमारा कठोरीकृत इस्पात का जो है बना होता है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं, जिग बुशिंग प्राय कठोरीकृत इस्पात, हार्डेड स्पीड स्टील या टूल स्टील के बने होते हैं। जिग बुश जो है हमारा कठोरीकृत इस्पात या टूल स्टील के जो है बने होते हैं। जिग बुश के लिए बुश के प्रयोग से छिद्र यथार्थ आकार व साइज के प्राप्त होते हैं। बुश मशीनिंग के अंतर्गत पदार्थ की प्रत्यास्थ स्प्रिंग क्रिया के कारण ड्रिल आदि को निर्धारित स्थिति से हटने नहीं देती है तथा ठीक स्थिति में रखते हुए क्रिया करने के लिए गाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सही गाइडिंग के लिए बुश की लंबाई ड्रिल का व्यास की 1.7 से 2.5 गुना तक रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्थाई का उपयोग किस के लिए होता है। ऑप्शन है, क्वेश्चन हमारा स्थाई का उपयोग किसके लिए होता है, यह क्वेश्चन जो है हमारा इसरो टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है औजार के निर्देशन में, नेक्स्ट ऑप्शन जॉब को कसने, नेक्स्ट ऑप्शन है औजार के निर्देशन और कसने, नेक्स्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब को कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, जिग वह युक्ति है जिसे के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कला वस्तु को पकड़ने, नेक्स्ट ऑप्शन है कला वस्तु को ढीला करने, नेक्स्ट ऑप्शन है कला वस्तु को पकड़ने और औजार का को मार्ग निर्देशित करने, नेक्स्ट ऑप्शन है औजार को कसने। यह क्वेश्चन जो है हमारा इसरो टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला वस्तु को पकड़ने और औजार को मार्ग निर्देशित करने के लिए किया जाता है जिग का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सांसें जिग्स उपलब्ध होते हैं, जिग्स उपलब्ध होते हैं ग्राइंडिंग के लिए, ड्रिलिंग और बोरिंग के लिए, मिलिंग के लिए, टर्निंग के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिलिंग व बोरिंग के लिए जिग्स जो है उपलब्ध होते हैं। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं जिग्स के बारे में। जिग एक उपकरण पकड़ने वाला अवयव है या पकड़ने के साथ साथ गाइड भी करता है। फिक्सर की बात करते हैं, यह केवल पार्टों को पकड़ने का काम करता है। जिग्स का प्रयोग ड्रिलिंग और बोरिंग के लिए किया जाता है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।